IMD ने मंगलवार को कहा कि 2 जुलाई को मॉनसून अपनी सामान्य तारीख 8 जुलाई से पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। दिल्ली में भी मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। दिल्ली में मॉनसून के आने के बाद भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। बीते शुक्रवार को हुई भारी बारिश की गर्मी के असर को कम किया है, लेकिन उस समय अभी भी बरकरार है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी कि IMD के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। IMD के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में दोपहर करीब 3 बजे हल्की बारिश हुई। आइए जानते हैं कि दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा। IMD ने बुधवार को आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के अलावा गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, तो येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। 8 जुलाई तक दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, इसके बाद फिर 7 और 8 जुलाई को गरज के साथ बारिश का अनुमान है। 8 जुलाई से पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है मॉनसून। IMD के अनुसार मध्यम बारिश को एक दिन में 7.6 मिमी से 35.5 मिमी के बीच बारिश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि भारी बारिश को एक दिन में 64.5 मिमी से 124.4 मिमी के बीच हुई बारिश के रूप में परिभाषित किया जाता है। IMD ने मंगलवार को कहा कि 2 जुलाई को मॉनसून अपनी सामान्य तारीख 8 जुलाई से पहले ही पूरे देश में पहुँच गया है।